टीनेजर्स दुनिया के एक ऐसे प्राणी है जिन्हें दुनिया बहुत गलत नजर से देखती है। देखो हम बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे कि तुमने कोई छोटा मोटा बुरा काम किया तो तुम्हें बोलते हैं कि इतना बड़ा होके भी क्या तुम्हें कोई अक्ल नहीं है। कभी दूसरी तरफ, ये ले प्रदीप बेटा 500 रुपए, अपने लिए कुछ खरीद लियो। थैंक यू मौसी। ये इधर दे, तू तो बच्चा है, फालतू की चीजों में खर्च करेगा। क्यों, अब बड़ा नहीं हूँ मैं? अब बीइंग अ टीनेजर हम बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे होते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर गुड ओल्ड बॉडीज, डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। ये दोनों एक दूसरे के चड्डी दोस्त है जो कि तुम्हें भी अपनी चड्डी में बिठा के तुम्हारे साथ सफरिंग करना चाहते हैं। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, आई लव टू सफर। कभी कभार तो साला पता ही नहीं चलता कि मूड कब क्या कैसा चल रहा है मेरा। अभी मैं खुश हूँ और 5 सेकंड बाद मैं इस यूनिवर्स में अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल करता हूँ। मेरा यहाँ क्या काम है? साला दिन रात बैठ के बस यूट्यूब वीडियोस ही बनाऊँ क्या? यही है मेरी जिंदगी। लोग बोलते हैं कि अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो किसी से बात करो, बट हम तो टीनेजर्स हैं और अगर हम किसी से बात करने जाए तो ब्रो आई एम फीलिंग डाउन, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तुझे लगता है तेरा टाइम खराब होती? इधर इंडिया आके भी मुझे फ्री में पानी नहीं देती कोई, तू तो बस टीनेजर होती, तुझे कौन सी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती? मेरे को पानी मांगती। पहले मैं सोचता था कि इंट्रोवर्ट होना एक आर्ट है, सब लोग इंट्रोवर्ट नहीं है, बट हे माँ माता जी, आजकल हर इंस्टाग्राम के टीन्स लॉन्डे लॉन्डिया शी हर ही हिम also #introvert proud to be an introvert bro no one gives a fuck। एक इंसान खुद को कितनी बार इंट्रोवर्ट बोल सकता है? बट रिगार्डलेस कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, एक चीज पता है इन दोनों में क्या कॉमन है? दीस बोथ स्पीसीज कैन बी लेजी एंड आई एम प्राउड टू से आई एम लेजी। अरे ये तो एक्चुअली में लेजी है, ये 2 कौड़ी का इंसान आधी रिकॉर्डिंग में सो गया। भाई उठ जाओ, बाकी की रिकॉर्डिंग कर। सोने दो यार मुझे, मुझे नहीं करना ये रिकॉर्डिंग। मैं इतना लेजी हूँ कि मुझे लेजीनेस की वजह से भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, और भूख लगती है तो मैं खाता क्या हूँ? एग्जैक्टली फास्ट फूड। बाय द वे आई स्टिल डोंट गेट इट कि व्हाई ये एडल्ट्स लोगों को फास्ट फूड और एज दे कॉल इट जंक फूड क्यों नहीं पसंद आता। दे आर टेस्टी। मैं 4 प्लेट फुल गोभी मंचूरियन खाने के बाद अपने पेट में शेजवान नूडल्स और फ्राइड राइस के लिए जगह रख सकता हूँ। मी एंड माई होमी हम दोनों किसी फास्ट फूड सेंटर में जाएंगे और भाई सुन, ये वही जगह है जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे मस्त फास्ट फूड मिलते हैं कि बस और बात करना बंद कर, चल ठूसना शुरू करते हैं। ये देख, ये है चीज वाला पिज्जा, और ये देख आलू टिक्की बर्गर, 10 रुपए की पेप्सी, तेरी गर्लफ्रेंड सेक्सी और मुझे उस पे क्रश है। हैं क्या? कुछ नहीं। और somehow मेरा ये फास्ट फूड के स्टोर का विजिट अगर मेरे घर वालों को पता चलता है कि मैं फास्ट फूड खा के घर आया हूँ, तो मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरी फ्यूनरल की तैयारी करती है। पेट खराब होगा तेरा, खा ले जंक फूड, जितना ज्यादा खाएगा उतनी जल्दी तेरी लाइफ स्पैन कम होगी। फाइन, मैं वैसे भी इस दुनिया में जी के क्या करूंगा जिस दुनिया में एनिमे गर्ल्स रियल ना हो। वैसे भी मेरी लाइफ में एंटरटेनिंग जैसा है क्या? स्कूल, पढ़ाई, ओ यस द मोस्ट बोरिंग थिंग एवर क्रिएटेड, बंच ऑफ वर्ड्स जो बुक में है उसे अपने सिर के अंदर घुसेड़ो। टाइम्स लाइक दिस हम सब ने ये विश किया है कि काश डोरेमोन का मेमोराइजिंग ब्रेड असली होता। डोरेमोन, बिकॉज आई हैव इंसोमनिया। अब जो दूसरी फेल बच्चे जिनको नहीं पता कि ये इंसोमनिया क्या होता है, इंसोमनिया यानी ट्रबल स्लीपिंग, यानी मुझे नींद ठीक से नहीं आती। बट जैसे ही मैं बुक खोलता हूँ मुझे मेरा इंसोमनिया भी बोलता है, अरे वो क्या है ना, अपुन को याद है कि अपुन को वो पहाड़ी से छलांग लगाना है, क्योंकि ये अपने टाइप का नहीं है बॉस। बट अगर मैं पढ़ाई करने बैठू तो मुझे आदत है कि मैं कोई गाना सुनते पढ़ू, वरना मैं किसी भी छोटी सी चीज से भी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। ओह माय गॉड, यूएफओ, रुक मेरे लिए रुक। इसलिए पढ़ाई के वक्त म्यूजिक इज कंपलसरी फॉर मी। या आई स्टिल डोंट गेट इट कि मैं म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ कैसे लेता हूँ, बट दैट वर्क्स फॉर मी। ठीक है, मैं पासिंग मार्क्स तो ला ही देता हूँ। अब म्यूजिक के साथ साथ फोन भी मेरा बड़ी है, क्योंकि आजकल तो मैं टीवी भी नहीं देखता। आजकल टीवी में आते भी क्या है, बस कुछ ही अच्छे कार्टून शोज ही आते हैं, उन्हें छोड़ के और क्या आता है? रियलिटी टीवी शोज, जो कि रियलिटी में फेक है और बोरिंग है। इसलिए मैं अपने फोन में ही सोशल मीडिया यूज करके खुश होता हूँ। लेकिन तुम क्या जानो कि ये मोबाइल और सोशल मीडिया चलाना भी पाप है हमारे इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से। कम ऑन, इज द सेम थिंग। तुम लोग टीवी देख के अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, तो मैं उसी का ये छोटू सा वर्जन यूज करके अपना टाइम क्यों नहीं बर्बाद कर सकता? चलो सब साथ में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मुझे कभी कभार ये इंडियन सोसाइटी काफी ज्यादा ही हार्श लगती है टीनेजर्स की तरफ। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हम टीनेजर्स को वे टू जज किया जाता है? मैं तो बोलता हूँ ये बस इनका तरीका होता है अपना स्ट्रेस हम पे निकालने का।
हम जैसे मासूमों पे। सच बताओ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बस अपने लिए क्वाइट टाइम चाहिए। कभी कभार अपने लिए क्वाइट टाइम जरूरी है। मैं वैसा बंदा हूँ लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स एंड बिंज वॉच सीरीज एंड एनिमेस एंड आई एम नॉट गोना लाई, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। एग्जाम्स और स्कूल्स के स्ट्रेस के बीच में समटाइम्स यू नो यू वॉन्ट की तुम बस एक दिन बैठ के आराम करो। एंड इसी बारे में मैंने एक गाना लिखा है जो कि मैं गाना चाहूंगा। चल नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक बजा। या मैं वही टीनेजर जिसकी जबान है शार्प एज अ लेजर, जिसे सब कहते फेलियर। वेल लेट मी टेल यू व्हाई, कॉज आई डोंट लाई। इनको लगता मैं लेजी, बट दैट्स जस्ट क्रेजी। इनको पता नहीं मेरा स्ट्रगल, आई वर्क डे नाइट टू अर्न डबल। कहते मुझे फेलियर, कहते कुछ काम किया कर, काम किया कर। हाँ किया मैंने काम तो उसमें भी ढूंढते ये गलती, लेकिन टाइम नहीं इनके पास। जब मैं करता हूँ अपने टैलेंट का शो ऑफ, बोलते हैं बेटा ये तो टाइम वेस्ट है, जाके पढ़ ले वरना तू तो फेल है। हर वक्त मुझे करनी नहीं पढ़ाई, हाँ रहना भी चाहता हूँ थोड़ा सा क्रिएटिव। नो आई एम नॉट लेजी, ये समझते नहीं है अपने को। Y'all are crazy, yeah, y'all are crazy। जजिंग के मामले में हमेशा टॉप, सपोर्टिंग के टाइम हमेशा फ्लॉप। मेंटल हेल्थ बेटा वो क्या है, डिप्रेशन एंग्जाइटी किसी सिटी का नाम है क्या? सिटी नहीं है ये, मेरी है स्टेट, ये स्टेट जिसकी कंट्री हूँ मैं। It's real man but you don't know, सुनने का नहीं को, that's the society bro। मैं most of the time रहता हूँ lonely, AJT ever I feel lusty। पौने किया है टेको और ब्रेन को, लेकिन मैं बोलूँ तो बोलूँ ये किसको? मैं वही टीनेजर जिसकी जबान है शार्प एज अ लेजर, जिसे सब कहते फेलियर। हाँ हाँ सब कहते फेलियर। यो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई मीन मेरा रैप भी पसंद आया होगा। आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लगा होगा, बट या मुझे बताओ कि कैसा लगा। आई मीन फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया है लाइक वेयर आई रैप्ड। या चैनल पे नहीं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो, वी आर क्लोज टू 100K। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।